हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं बिग बॉस 13 में आज क्या होने वाला है, मतलब वीकेंड के बारे में क्या क्या अपडेट्स हैं वो सभी मैं बताने वाला हूं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉलर ऑफ द वीक माधुरिमा तेली के लिए आएगा, जो कि दिल्ली से होगा, जो कि एक मेल होंगे जो दिल्ली से कॉलर ऑफ द वीक माधुरिमा तेली के लिए आएगा। तो ये थी गाइस सबसे पहली अपडेट। चलिए चलते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। गाइज, एक और वीकेंड के वार की अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कामिया पंजाबी एक्सपोज करेंगे सैफ अली जरीवाला को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही अपडेट है ये। जो कामिया पंजाबी आएंगी वो एक्सपोज करेंगी फाली जरीवाला को, जो कि बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम के बीच में होने वाली कंट्रोवर्सी के बारे में। गाइज, अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरी अपडेट वीकेंड के वार की, जो कि होने वाली है सलमान खान और रश्मि देसाई के जो ब्रदर हैं वो एक्सपोज करेंगे अरान खान को। वो बताएंगे कि किस तरह से जब रश्मि नहीं थी तो अरान खान उनके फ्लैट में रहते थे, वो भी जब जब रश्मि देसाई नहीं थी। तो गाइज, ये थी तीसरी अपडेट जिसके अंदर मैंने आपको बताया सलमान खान और रश्मि देसाई के ब्रदर एक्सपोज करेंगे अरान खान को। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि वीकेंड के बारे में होने वाली है। गाइज, मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन गेस्ट आएंगे इस वीकेंड के बारे में, मैं बता रहा हूँ गाइज। गाइज, सबसे पहले हितेन तेजवानी, कामिया पंजाबी और रश्मि देसाई के ब्रदर इस बार वीकेंड के बारे में आने वाले हैं। और गाइज, मैं अब बात करने वाला हूँ एक और अपडेट की वीकेंड के बारे में, इस बार क्या होने वाला है। गाइज, हो सकता है माधुरिमा तोली इस बार इवेक्ट हो जाए, मतलब घर से बेघर हो जाए। अब देखना ये बनता है कि क्या होगा। इस बार डबल इविक्शन हो सकता है गाइज, पॉसिबिलिटी है सैटरडे को डबल इविक्शन हो जाए। तो ये भी एक अपडेट है, और ये जितनी भी अपडेट मैं बता रहा हूँ ये 100% सही है। कोई ना कोई अपडेट हो सकती है गलत हो जाए, बट ज़्यादातर अपडेट आपको बिल्कुल सही मिलेंगी। गाइज, एक और अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक टास्क होगा जिसका नाम है ब्लैक हार्ट टास्क, और ब्लैक हार्ट टास्क होगा गाइज आसिम और विशाल आदित्य के बीच में। गाइज, आसिम काफ़ी ज़्यादा हार्ट कलेक्ट कर लेंगे वाटर में से, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ हार्ट की वजह से आसिम इस टास्क को जीत जाएंगे और वो बन जाएंगे मोस्ट ब्लैक हार्ट टैग का, उनको एक टैग मिल जाएगा। ये भी गाइज एक अपडेट है। अब गाइज, बात कर लेते हैं वीकेंड के वार के अंदर एक एक्सक्लूसिव अपडेट जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब वो थोड़े ठीक हो चुके हैं, हॉस्पिटल से वो वापस आ चुके हैं। अभी उनको एक ऐसे रूम में रखा गया है जिसके अंदर ना टेलीविज़न है ना फ़ोन है, और यहाँ तक कि दीवार पे लगने वाली घड़ी भी नहीं है उनके रूम में। ये उनको रिकवर होने में 4-5 दिन अभी और लग सकते हैं, बट अभी वो हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और बिग बॉस के घर में ही हैं। गाइज, एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में। सिद्धार्थ शुक्ला जब हॉस्पिटल से आ गए हैं तो सलमान खान उनसे एक वीडियो कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई थोड़ा ठीक है थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ऑडियंस को भी वो कहते हैं कि इनके लिए वोट कीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी नॉमिनेट हैं। तो गाइज़, ये सब कुछ चलता है वीकेंड के बारे में। तो गाइज़, मैंने आपको बता दिया आज की अपडेट क्या क्या होने वाली हैं। ये सभी अपडेट गाइज 100% ट्रू हैं, और आज के शो में आप देख ही लोगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही आपको अपडेट कर देते हैं कि क्या होने वाला है बिग बॉस के अंदर। गाइज, हमने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी और भी बनाई हुई हैं, आप चाहे तो उनको भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। मिलता हूँ मैं गाइज इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Thank you.